टोयोटा हाइलक्स, एक गेटअवे पिकअप ट्रक जिसे आप अपने वीकेंड्स या फिर हॉलीडेज पर रोड ट्रिप्स के लिए ही निकालेंगे। इस गाड़ी में क्या नहीं आता, ग्रेट रोड प्रेजेंस है, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज हैं, एक रगेड कैबिन है और डेली यूज के फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, पर इसके साथ रहना और इसे रोज चलाना आसान नहीं है। जहाँ ये आपको पिकअप ट्रक के सारे बेनिफिट्स देती है, वहीं पिकअप ट्रक के साथ आने वाले सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी, जैसे कि झटके, बड़ा साइज और हाई प्राइस के लिए बेसिक फीचर्स जो आपके एक्सपीरियंस को लिमिट कर देते हैं। लेकिन क्या ये अपनी परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटीज और आई कैचिंग रोड प्रेजेंस से बाकी सब चीज़ों को ओवरशैडो कर सकती है? यही पता लगाने के लिए मैंने इसके साथ कुछ दिन स्पेंड करे हैं। हाइलक्स के साथ दिन की शुरुआत एक्साइटिंग थी और वो एक्साइटमेंट इसकी की उठाने से ही शुरू हो गई थी। इस बड़ी सी चाबी को लेके आपको एहसास हो जाता है कि आप एक बड़ी और पावरफुल गाड़ी चलाने जा रहे हैं, और वो फीलिंग सच हो गई हाइलक्स को देख के। ये पिकअप ट्रक साइज में बहुत बड़ी है, मर्सिडीज GLS से भी ज़्यादा बड़ी, और इसी वजह से ये मेरी पार्किंग में फिट भी नहीं आई और इसे बाहर अलग से पार्क करना पड़ा। पर इसका डिज़ाइन कैसे डिस्क्राइब करूँ? मैसिव अपराइट फ्रंट प्रोफाइल, बड़ा ग्रिल, बड़े 18 इंच के अलॉयज, चारों तरफ रगेड क्लैडिंग और हद से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, इन सब से ये देखने में बहुत डोमिनेटिंग लगती है। और अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपने वीकेंड पे किसी सुंदर सी जगह पर जाकर सनसेट को एंजॉय करूं, और उसके लिए मैंने अपना थोड़ा सामान एक छोटे बैग में पैक किया। एंड देन आई रियलाइज कि इसकी बूट तो ओपन है, तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसकी बूट के लिए या फिर इसके बेड के लिए एक कवर लेना होगा, ताकि आप अपना सामान सेफली इसमें रख पाएं। आई वॉज रेडी टू लीव फॉर माई मॉर्निंग कॉफी और मैं हाइलक्स के अंदर बैठा। यहाँ बैठ के मुझे फील नहीं हुआ कि मैं किसी 45 लाख की गाड़ी में बैठा हूँ। एक सिंपल सा कैबिन है जो देखने में थोड़ा आउटडेटेड है, डैशबोर्ड हार्ड प्लास्टिक का है और सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी काफ़ी कम यूज़ हुए हैं, पर ये कोई प्रीमियम कार नहीं, एक पिकअप ट्रक है और मुझे इससे एक प्रीमियम कैबिन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन इस कैबिन का लेआउट थोड़ा बेटर हो सकता था। फाइनली मैं कॉफ़ी शॉप पहुँचा, जहाँ मैं अपनी कॉफ़ी को इन्जॉय कर रहा था, वहीं लोग इस पार्क्ड हाइलक्स को एडमायर कर रहे थे। किसी का मन भी इसे एक बार देखकर भर नहीं रहा था। दिस ट्रूली इज अ हेड टर्नर। अपने साइज, हाइट और डोमिनेटिंग डिज़ाइन की वजह से ये एक बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस रखती है, पर ये साइज एक डिसएडवांटेज भी लेके आता है। आफ्टर फिनिशिंग माय कॉफ़ी आई वाज रेडी टू हेड टू माय डेस्टिनेशन, बट उसके लिए मुझे पहले सिटी के ट्रैफिक से निकलना होगा, जो इस बड़ी गाड़ी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई भी छोटी कार ट्रैफिक को कट करके साइड से निकल सकती है और उसे किसी पतली गली से निकलने में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाइलक्स, अगर आप इसे लेकर ट्रैफिक में हैं देन यू आर जस्ट स्टक, और पतली गली से निकलने का तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, जहाँ किसी नॉर्मल कार को रोड के साइड के खराब पैचेस से निकलने में दो बार सोचना होगा, वहाँ से ये बड़े आराम से निकल जाती है। सिटी के अंदर मुझे परफॉर्मेंस की कमी कहीं महसूस नहीं हुई, एक्सेलरेशन एफर्टलेस थे और ओवरटेक्स भी, लेकिन सिटी रोड्स के छोटे गड्ढे या फिर स्पीड ब्रेकर्स भी गाड़ी के अंदर मुझे बहुत फील हो रहे थे। थोड़ी देर ट्रैफिक झेलने के बाद आई फाइनली मेड इट टू द हाईवे, बट रास्ता अभी भी लंबा था एंड आई हैड अ गुड लुक एट इट्स फीचर लिस्ट। हाइलक्स में एक 8 इंच का टच स्क्रीन आता है जो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और इजी टू यूज़ भी, और उसके अलावा वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट्स भी हैं। एक पिकअप ट्रक से आप जो फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं, और सेफ्टी के लिए भी 7 एयरबैग्स, हिल असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। लेकिन थोड़े फीचर मिसेज यहाँ पर ज़रूर हैं। फ्रंट में एक USB चार्जर, 2 12 वोल्ट सॉकेट और एक 100 वॉट चार्जर तो मिल जाता है, पर यहाँ पर कोई टाइप सी पोर्ट नहीं है, और पीछे वहाँ तो एक भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, तो आपके रियर पैसेंजर्स को अपने फ़ोन चार्ज करने में दिक्कत ज़रूर आएगी। बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो मेरी लॉन्ग ड्राइव के लिए स्टोरेज ऑप्शंस भी काफ़ी थे, जैसे चारों डोर्स में बॉटल होल्डर्स, सेंटर कंसोल में कप होल्डर, डैशबोर्ड के दोनों एंड्स पे कप होल्डर्स, सेंटर आर्मरेस्ट में स्टोरेज, फोन रखने के लिए ट्रे, 2 ग्लव बॉक्स और रियर पैसेंजर के लिए भी एक सेंटर आर्मरेस्ट और 2 कप होल्डर्स। अब हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस को भी देखना था कि ये 2.8 लीटर का डीजल इंजन आखिर कितना केपेबल है, और ये चेक करते हुए मुझे पावर की कमी महसूस कभी नहीं हुई। ये 2.8 लीटर का डीजल इंजन इसे किसी भी टेरेन पे जाने की पावर देता है, तो हाईवे पे इसे ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। हाई स्पीड पे जाने में टाइम नहीं लगता और ओवरटेक्स भी एफर्टलेस हैं, लेकिन इसका राइड कंफर्ट इसकी परफॉर्मेंस की तरह अच्छा नहीं है। रियर लीफ स्प्रिंग होने की वजह से फर्म सस्पेंशन सेटअप और सिटी के छोटे गड्ढे भी मुझे गाड़ी के अंदर फील हो रहे थे, और क्योंकि इसकी सीट्स भी हार्ड हैं तो गाड़ी के अंदर का मूवमेंट काफ़ी नोटिसेबल था। हाईवेज पे भी ये हाई स्पीड पे स्टेबल तो थी, पर क्विक टर्न्स में बॉडी रोल अच्छे से पता चल रहा था, और यही चीज़ पिकअप ट्रक की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है, जहां आपको कैपेबिलिटी तो बहुत मिलेगी लेकिन वो राइड कंफर्ट के कॉस्ट पे आएगी। पर मेरी जर्नी सिटी और हाईवे तक सीमित नहीं थी,
मुझे अभी हिल्स की नैरो रोड और शार्प टर्न से भी हाइलक्स को निकालना था, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं अब फाइनली घाट्स पहुंच चुका था। पर पावर की कमी मुझे कहीं महसूस नहीं हुई और जहां रास्ते मिट्टी के थे वहां मैंने इसे फोर व्हील ड्राइव में डाल दिया और ये बिना किसी प्रॉब्लम के वहां से आराम से निकल गई। हाइलक्स अब अपने एलिमेंट में थी और ये किसी भी ऑब्स्टिकल को आराम से पार कर सकती थी। After having my fun and spending an entire day with the Hilux, मैं finally अपनी destination पे पहुंच गया। आपके question को answer करने के लिए कि Hilux लेनी चाहिए या नहीं? Let's make one thing clear, ये एक secondary car है, वो भी उनके लिए जो pickup truck के compromises को समझते हैं। इसकी ride इतनी comfortable नहीं है और ना ही seats, एक outdated cabin है और feature list भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके price को देखते हुए मुझे ये compromises थोड़े ज़्यादा लगे, खासकर अगर आप इसे मोस्टली सिटी में ही चलाने वाले हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइजेस आपसे ज़्यादा आपके परिवार वालों को चुभेंगे। हाइलक्स को लेने की वजह क्लियर है, ये खुद तो इनविंसिबल है ही पर चलाने वाले को भी बहुत पावरफुल फील कराती है। इसमें बैठ के अटेंशन और चलाने की जो पावर फील होती है वो शायद ही कोई गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे दे पाए। अगर आप ऐसे ही किसी डेस्टिनेशन पे आना चाहते हैं तो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ वो भी बहुत एफर्टेस बना देती हैं। अगर आपको अपनी सेकेंडरी शो ऑफ कार से पहले बताए गए कॉम्प्रोमाइजेस मंजूर हैं तो हाइलक्स के साथ रहना आसान और मजेदार दोनों हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। व्हाइल आई एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सनसेट, यू कैन गो वॉच मोर वीडियोस ऑन आवर चैनल। बाय।